कटिया के गांव नंगल में एक स्कूल को बंद कराने के लिए स्कूल कमेटी के मेंबर व प्रेसिडेंट नरेंद्र कुमार ने बीओ ऑफिस में प्रदर्शन किया। बीओ पर लगाई मिली भगत के आरोप खत्म हो चुकी है, मान्यता फिर भी चल रहा है स्कूल। स्कूल को बंद कराने के लिए बीओ ने मांगे पैसे, कोर्ट के आकड़े आदेश के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है स्कूल। देखिए K9 मीडिया के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। मेरे को इसके बारे में नहीं पता कि वो क्या नारेबाजी करके गए, क्या बात थी क्या नहीं थी। सर एक पूरा स्कूल का मामला बता रहे हैं, बालेवाटी का स्कूल का पूरा मामला है सर। वो पैसों की बात कर रहे हैं, अभी आपने पैसों के लेन देन के बारे में बात की होगी, भी स्कूल को बंद किया जाएगा फिर। हाँ ये बालेवाटी का स्कूल वाले कल भी आए थे मेरे पास, और मैं इनकी कंप्लेंट के ऊपर 3 बार स्कूल में जा भी आ रहा हूँ, और मैंने इनके बयान भी ले रखे हैं, जो विरोधी पार्टी है उसके भी बयान ले रखे हैं। इनके जो पार्टनर है वो इनके अगेंस्ट है, इनकी पहले कोई पार्टनरशिप होगी तो अब ये अलग हो गए हैं। तो मैं 3 बार वहाँ जा के आया हूँ, और उसने एक बार मेरे को दिखाई कि 3rd क्लास तक की मेरे पास मान्यता परमिशन है, तो मैंने जो थे 4th 5th के जो बच्चे बैठे थे उनको भेज भी दिया था, उनकी छुट्टी कर दी थी मैंने। और फिर ये कल मेरे पास आए हैं तो कहने लगे जी वो स्कूल को बंद करवाया जाए। मैंने कहा भी अगर वो स्कूल बंद होने वाला है तो ज़रूर बंद होगा। मैं आजकल मेरी ड्यूटी जो है स्कूलों में जो सक्षम के लिए स्कूल जो करने जा रहे हैं मॉनिटरिंग वगैरह, तो उसके लिए मैं स्कूलों में जा रहा हूँ, और इनके बैठे ही सामने इनके मैंने उस हाँ जी सर तुम प्रदर्शन कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, की मामला की है पूरा ऊपर कर लोगों। हाँ जी सर जी असी बीओ के खिलाफ आए हैं जी इतने, तो बीओ ने साड़ी कोई गल नहीं सुनी जी। की मामला की है पूरा? साडा स्कूल है जी नंगल च, बाल वालिका कॉन्वेंट स्कूल नंगल जी, असी सोसाइटी के 7 नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।